नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे लीड जनरेशन। अगर हमें नए कस्टमर चाहिए, न्यू कस्टमर एक्विजिशन करना है, तो कौन से वेज है, कौन से माध्यम है जहां से हम नए कस्टमर एक्वायर कर सकते हैं। देखो, लीड जनरेशन के दो तरीके हैं, जैसे फ्री का कैंपेन और दूसरा आता है पेड कैंपेन, उसको अनदर लैंग्वेज में बोला जाता है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। अगर हमें फ्री में एडवर्टाइजिंग करना है या फ्री में हमें लीड जनरेशन करना है तो कौन से माध्यम है। देखो, ऐसे सेवन माध्यम से कि जिस सेवन माध्यम से मैं आपको लीड जनरेशन करने का फ्री का तरीका बताने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हमें फ्री में लीड चाहिए तो रेफरेंस एक बेहतरीन ताकत है, एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी है जहाँ से हम लीड जनरेट कर सकते हैं। देखो, अगर हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, उनको हमारे अच्छी सर्विस मिल रहे हैं या उनको हमारे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, अगर वो खुश है तो उनके नेटवर्क के लोग जो रहते हैं, उनके नेटवर्क में जो जिनको हमारी सर्विस चाहिए, जिनको हमारा प्रोडक्ट चाहिए, वो हम अगर उनको पहुँचा देते हैं तो डेफिनेटली उनके वजह से उनके नेटवर्क के लोगों में हमारी सर्विस है, हमारे प्रोडक्ट्स की जो रीच है वो आसानी से होगी। ये एक बेहतरीन तरीका है लीड जनरेशन का। दूसरा आता है पुट कंटेंट। देखो, हमारे पास बहुत सारे मार्केटिंग कोलैटरल रहते हैं, जैसे कि हमारा पोर्टफोलियो है, हमारा प्रेजेंटेशन है। अगर ऐसे छोटे छोटे जो हमारे इन्फोग्राफिक्स है या कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट्स है, हम शेयर करते रहेंगे हमारे कस्टमर के साथ, डेफिनेटली वो कभी ना कभी हमारा कस्टमर बन सकता है, हम वहाँ से हमारा एक अच्छा खासा लीड भी बन सकता है। देन तीसरा आता है लिंक्डइन। देखो, एक प्रोफेशनल जो सोशल मीडिया का माध्यम है जिसको बोला जाता है लिंक्डइन, जहाँ पे हम हमारे एक अप्रोप्रिएट एक एग्जैक्ट कस्टमर के साथ हमारे प्रोडक्ट या हमारे सर्विस की डील कर सकते हैं, तो लिंक्डइन भी एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। देन चौथा आता है ईमेल्स। अगर कोई भी कस्टमर के साथ हमें डील करने, अगर उनको हम ईमेल का ब्रॉडकास्टिंग करेंगे तो वहाँ से भी वो लोग हमें अप्रोच कर सकते हैं आसानी से, और उनको एक और उनको एक प्रूफ मिलता है एक कंपनी जेन्युइनली सर्विस प्रोवाइड करती है, जेन्युइनली प्रोडक्ट्स ही हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ईमेल एक बहुत बेहतरीन माध्यम है। देन पाँचवा आता है व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट। देखो, अगर हम देखते हैं व्हाट्सअप का हर मैसेज हर कस्टमर हमारा देखता है, तो वो सिनेरियो में हमें कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्ट करना रहता है। अगर हमारे पास कस्टमर का फनल बन रहा है तो उनको हमेशा व्हाट्सएप के माध्यम से टच रहना है, कॉन्टेंट शेयर करना है, वहाँ से भी हमें अच्छे खासे कस्टमर का कन्वर्जन होने का चांसेस बहुत अच्छा रहता है। देन छठा आता है गूगल। गूगल एक बहुत बड़ा सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हमारा कस्टमर जाके हमारे प्रोडक्ट के बारे में सर्चिंग कर सकता है, हमारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है और वहाँ से हमें कांटेक्ट भी कर सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। देन सातवां आता है और सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, जैसे कि सोशल मीडिया प्रेजेंस। देखो, अगर कोई भी बंदा, अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस खरीदता है, वो सिनेरियो में वो क्या करेगा, हमारे कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, वहाँ पे जाके हमारे प्रोडक्ट की जानकारी लेने का प्रयास करेगा। और वहाँ पे हमारा प्रेजेंस रहेगा तो डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा और वहाँ से हमारा नंबर या हमारा कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स उठाएगा और हमारे साथ कॉन्टैक्ट करेगा। तो ऐसे सात माध्यम है जहाँ से हमें फ्री का लीड मिलने का चांसेस बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, क्यों रुके हैं, आज ही इस फ्री के स्ट्रैटेजी जो सेवन स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया उसके ऊपर काम करना चालू कीजिए। देन आता है पेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज या पेड लीड जनरेशन सोर्सेज। देखो, इसमें भी सात से आठ जो माध्यम है, जो स्ट्रैटेजीज है, वहाँ से हम बहुत अच्छे खासे लीड जनरेट कर सकते हैं। कभी कभी हमें क्या होता है, ऑर्गेनिक पे जो लीड मिलता है वो बहुत कम होते हैं, हमारा बिजनेस का जो पोटेंशियल होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो इन सिनेरियो में हमें क्या करना पड़ता है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें जाना होता है और वहाँ पे हमें पेमेंट भी करा के हमें एडवर्टीजमेंट करना होता है। इसमें क्या, सबसे पहला जो स्ट्रैटेजी है उसको बोला जाता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। देखो, बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर रहते हैं, जो सेलिब्रिटीज रहते हैं या कोई भी एक जो यूट्यूब स्पेशलिस्ट रहता है, इंस्टाग्राम स्पेशलिस्ट रहता है, उनके फॉलोअर्स अच्छे खासे होते हैं, तो उनको हमारा प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अगर हमें ऐड करना है तो उनको हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड अमाउंट देके हमारे प्रोडक्ट या हमारे सर्विसेज को प्रेजेंस करने के लिए हम उनको अप्रोच करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज है। देन दूसरा आता है डाटाबेस खरीदना। देखो, अगर हमें नए कस्टमर चाहिए, एक सेम इंडस्ट्री से चाहिए, सेम लोकेशन से चाहिए, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, तो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी एक डाटा बेचने वाले के साथ हम कॉन्टैक्ट करेंगे और वहाँ से हम डाटा उठाएंगे और उनको वन टू वन में मैसेज करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे या कॉल करेंगे। ये भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। देन तीसरी स्ट्रैटेजी आती है इवेंट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। देखो, ये अगर बहुत सारे प्रदर्शन रहते हैं, बहुत सारे एग्जीबिशन रहते हैं, वहाँ पे जाके हमारे प्रोडक्ट से हमारे सर्विस को हम प्रेजेंट करा के हमारे जो कस्टमर बन सकते हैं उनको हम अप्रोच कर सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है। देन चौथा आता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर भी एक हर घर पहुँचने वाला माध्यम है,
वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स हमारे सर्विसेज को प्रेजेंस करा के लोगों तक पहुँचा सकते हैं। देन आता है पांचवा, टेलीविजन। टेलीविजन भी हर घर में अभी दिख रहा है कि टेलीविजन पे लोग बहुत सारे मालिका या कोई भी मूवीज वगैरह देखते हैं। उन सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स हमारे सर्विसेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं। देन छठा जो है नेटवर्किंग। देखो सेम इंटरेस्टेड के सेम निश के जो एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं वो एक जगह पे आते हैं और एक दूसरे को बिजनेस रिकमेंड करते हैं। जैसे कि BNI क्लब है, सेटल्ड क्लब है, जैसे कि रोटरी क्लब है, वहाँ पे एक दूसरे को लोग बिजनेस रिकमेंड करा के एक दूसरे का बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करते हैं। देन सातवा आता है डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट। देखो फेसबुक पे बहुत सारे लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं और वहाँ से डेली 10-15 नए कस्टमर या 3-4 हज़ार लोगों तक हमारे एडवर्टाइज पहुँचा के लोग लीड जनरेशन करने का काम करते हैं। देन आठवा जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है, गूगल एड्स या SEO। देखो हमें कुछ भी सर्च करना है तो हम पहले गूगल करते हैं। अगर हमारा भी वेबसाइट रहेगा, हमारा भी गूगल प्रोफाइल रहेगा, तो वहाँ से हम एडवर्टाइज कर सकते हैं और नए नए कस्टमर का हम जनरेशन कर सकते हैं। तो ऐसे जो आहट इम्पोर्टेंट जो पेड स्ट्रैटेजीज है वहाँ से हम लीड जनरेशन करने का काम कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने लीड जनरेशन करने का दो तरीका बताया, जो फ्री है एक, और दूसरा आता है जो पेड है, वहाँ से हम अच्छे से लीड जनरेशन कर सकते हैं और हमारे बिजनेस में रेवेन्यू बढ़ा के हमारे कंपनी को आगे लेकर जा सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने आपको क्लैरिटी दे दी। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि मैं आपको आगे जाकर सोल्यूशन दे दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।